yourself around. तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए इस फिल्म के रिलीज को लेकर एक बार फिर से एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म के एक्टर्स की फीस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी यंग टाइगर जूनियर, NTR, मेगा पावर स्टार रामचरण और बॉलीवुड के महाराजा अजय देवगन सर के डाहाट फैंस और इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा के विजनरी डायरेक्टर SS राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है ट्रिपल आर, जिसे कि लगभग 450 करोड़ रुपए के बजट से बनाकर तैयार किया गया है। यह फिल्म दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की दूसरी सबसे महंगी फिल्म है और यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों कोविड के चलते इस फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। और अब दोस्तों सुनने में आ रहा है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अप्रैल में रिलीज हो सकती है, या फिर दोस्तों इस फिल्म को 30 जून को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जा सकता है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का बजट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस फिल्म के जो स्टार्स है उनकी जो सैलरी या फीस है वो काफी ज्यादा रही। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के लीडिंग एक्टर्स यानी कि जूनियर NTR ने इस फिल्म को करने के लिए 45 करोड़ रुपए की फीस ली है, जो कि दोस्तों उनके कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा फीस है। साथ ही साथ दोस्तों मेगा पावर स्टार रामचरण ने भी इस फिल्म को करने के लिए 45 करोड़ रुपए की फीस ली है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा सरप्राइज है यहाँ पर इस फिल्म में कैमियो कर रहे बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर ने, जिन्होंने इस फिल्म में सिर्फ 7 से 8 मिनट के कैमियो के लिए 35 करोड़ रुपए की फीस ली है, जो कि एक तरह से बहुत ही बड़ा अमाउंट है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी टोटल फीस ली है 9 करोड़ रुपए की, जो कि दोस्तों एक तरह से लीडिंग एक्ट्रेस के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट है। बताते चले दोस्तों आपको कि इन सभी एक्टर्स की फीस मिलाकर लगभग 150 करोड़ हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि SS राजामौली सर ने इस फिल्म को करने के लिए 50 करोड़ रुपए की फीस ली है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का जो प्रॉफिट रहेगा उसमें भी 20% की हिस्सेदारी SS राजामौली सर की रहेगी। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इस फिल्म की जो टोटल फीस है वो लगभग 200 करोड़ रुपए की हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के प्रमोशन पर 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस फिल्म के सेट्स को और इस फिल्म की शूटिंग को लेकर लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो 450 करोड़ रुपए का हो चुका है और दोस्तों इस फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म अगर अप्रैल के मंथ में रिलीज होती है तो इस फिल्म को अगर 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज किया जाता है तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग ले सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म अगर 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ जून के मंथ में रिलीज होती है तो इस फिल्म को लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा और तब ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से 180 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रिपल आर का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कितना होगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।